Hi everyone, I am Dr. Pavan Gupta, Senior Vitro Retina Consultant, I7 Hospital. आज हम बात करेंगे आँखों में लगने वाले injections के बारे में. जब भी हम patients को बताते हैं कि आपकी आँख में injection लगना है, तो उनके मन में अचानक से एक घबराहट और काफ़ी सारे प्रश्न उनके मन में आते हैं कि आँख में injection कैसे लगेगा, क्योंकि सुनने से ये लगता है कि ये काफ़ी बड़ा प्रोसीजर होगा, काफ़ी इसमें दर्द होगा. तो उन्हीं सब क्वेश्चंस के आज हम आपके सामने आंसर करेंगे, जिससे आपके मन में जो डर है आँखों में लगने वाले इंजेक्शन से, उसको हम किसी हद तक दूर कर सकें. तो बेसिकली ये इंजेक्शन दो तरीके के हैं. मेनली अगर हम इनको क्लासीफाई करें तो ये इंजेक्शन एक कैटेगरी होती है एंटी वेजेफ. ये वेजेफ एक तरीके का हार्मोन है जो हमारी आँख में या पूरे शरीर में रिलीज होता है, और ये इंजेक्शन जो हम लगाते हैं वो इस हार्मोन के एक्शन को न्यूट्रलाइज करने में काम आते हैं. एक सेकंड कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं स्टेरॉइड इम्प्लांट. स्टेरॉइड इम्प्लांट ये एक तरीके की स्टिक होती है जो हम आँख के अंदर एक इंजेक्शन के द्वारा इंजेक्ट करते हैं. इस इम्प्लांट का एडवांटेज ये है कि ये स्लाइटली लॉन्गर एक्टिंग है. ये एक बार अगर हम इंजेक्ट कर दें तो 2 से 3 महीने तक डिजीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करती है. अब जो ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन है, ये 2-3 तरीके के आते हैं, जिसमें सबसे पहला है एक्सेंट्रिक्स के नाम से आता है. इसी का एक बायोसिमिलर कॉम्पोनेंट जो हमारी इंडियन कंपनी ने बनाया है वो रेजुमैब के नाम से आता है. एक एंटी वेजेफ जो स्लाइटली लॉन्गर एक्टिंग है, जो थोड़े से लंबे ड्यूरेशन के लिए काम करता है, वो आता है आइलिया के नाम से. और इस कड़ी में सबसे लेटेस्ट मॉलिक्यूल जो आया है उसका नाम है पेजेनेक्स. तो इन पर्टिकुलर इंजेक्शंस का मोर और लेस जो काम है वो यही है कि जो वेजेफ हार्मोन हमारी आंख में रिलीज हो रहा है उसके एक्शन को न्यूट्रलाइज करना. इनमें बहुत छोटे छोटे डिफरेंसेस हैं, उनके बारे में हम अभी बहुत डिटेल में यहाँ बात नहीं करेंगे. तो अब हम इसमें जानते हैं कि ये इंजेक्शन बेसिकली लगता कैसे है. जो पेशेंट्स के मन में डर होता है कि ये दर्द तो नहीं होगा हमें, तो ये इंजेक्शन जो हमारा वाइट पोर्शन है आई का, उसके अंदर हम ये लगाते हैं. और ये बहुत ही बारीक निडल से, जिसको हम कहते हैं मॉस्किटो बाइट, एकदम जैसे मच्छर का जो एकदम बारीक होता है, 30 गेज की निडल से ये लगाते हैं. और इंजेक्शन लगाने से पहले आई को एनेस्थेटिक ड्रॉप, सुन करने वाली जो ड्रॉप्स होती हैं उनसे आँख को सुन करते हैं. और टोटल प्रोसीजर में 30 सेकंड से 1 मिनट के करीब का टाइम लगता है. और एक बार आँख सुन हो जाए तो इसमें कोई दर्द वगैरह कुछ नहीं होता. इंजेक्शन लगने के बाद पेशेंट की आँख पे 2 घंटे के लिए हम एक पट्टी लगाते हैं, और उसके बाद वो पेशेंट अपना जो भी काम करना चाहे उसके लिए फ्री है. वो अपना ऑफिस वगैरह भी ज्वाइन करना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है. सेकंड चीज़, इसमें काफ़ी पेशेंट्स के मन में जो सवाल आता है कि ये कितने इंजेक्शन हमें लेने पड़ेंगे, तो ये आपको इसमें ध्यान रखना होगा कि ये इंजेक्शन काफ़ी केसेस के अंदर रेपिटेटिव लगाने होते हैं. मतलब हर एक इंटरवल के बाद दोबारा लगाना होगा. जैसे एक इंजेक्शन का एक्शन जो है 4-6 वीक्स के आसपास रहता है, तो किस पेशेंट को कितना फ्रीक्वेंटली ये हमने लगाना है, ये हर पेशेंट के लिए कई बार वेरी करता है. तो उसको हम असेस करके डिसाइड करते हैं कि किसको कितनी बार रिपीट करना है. बट ब्रॉडली आप ये ध्यान रखिए कि ये इंजेक्शन कोई वन टाइम ट्रीटमेंट नहीं है, ये बार बार रिपीट करने की ज़रूरत हो सकती है. थर्ड के इसमें कौन कौन सी बीमारियों में ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं. अब इसमें जो मेन डिजीज़ हैं जिनके लिए ये इंजेक्शन या इंट्राविट्रियल इंजेक्शन, जिनको हम कहते हैं इंट्राविट्रियल इंजेक्शंस, इसमें जो 2 मेन बीमारियां हैं उसमें सबसे पहली है ARMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन. इसकी भी 2 तरीके की बीमारी होती है ये. एक होता है ड्राई टाइप, एक होता है वेट टाइप. तो ये इंजेक्शन मेनली हम वेट टाइप की डिजीज़ में ये लगता है. वेट का मतलब हुआ कि आपके पर्दे पे कोई सूजन या ब्लीडिंग वगैरह हो रही है. सेकेंड मोस्ट कॉमन कॉज है डायबिटीज़.
डायबिटिक रेटिनोपैथी, इस बीमारी में आजकल ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन या ये स्टेरॉयड इम्प्लांट मेन स्टे ऑफ थेरेपी में है और ये आपको प्रैक्टिकली हर 4 से 6 हफ्ते में रिपीट कराना होता है। तो इसमें बार बार वही कह रहे हैं कि ये इंजेक्शन एक रेपिटेटिव है तो ये बार बार लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। और मेनली डायबिटिक रेटिनोपैथी में इसका काम होता है जो नई खून की नाड़ियाँ आपकी बन रही हैं उनको श्रिंक करना और जो पर्दे के ऊपर सूजन आ रही है उस सूजन को कम करना। थर्ड जिन बीमारियों में ये इंजेक्शन लगता है उसको हम कहते हैं वेन ऑक्लूजन, कि आपके पीछे आँख के पर्दे की जो नसें हैं उसमें से या तो आपकी मेन सेंट्रल वेन बंद हो गई या उसकी कोई एक ब्रांच बंद हो गई जिसकी वजह से ये पर्दे पे सूजन आ रही है और उस सूजन को कम करने के लिए ये इंजेक्शन लगाए जाते हैं। तो ये 3 मेन डिजीज़ हैं जिनके अंदर ये इंजेक्शन लगते हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जिनके अंदर लगते हैं, वो हम अभी इसमें डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। अब हम आपको एक एक करके दिखाएंगे कि ये एंटी वेजेफ इंजेक्शन कैसे एग्जैक्टली पेशेंट में लगता है और स्टेरॉयड इम्प्लांट कैसे पेशेंट में लगता है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ ये, क्योंकि ये इंजेक्शन आँख के अंदर लग रहा है तो इसमें हम फुल स्टराइल एसेप्टिक प्रिकॉशन लेते हैं। ये इंजेक्शन ऑपरेशन थिएटर के अंदर हम लगाते हैं। पेशेंट को एक बार बाहर हम बीटाडीन से उसकी आँख के आसपास का सारा हिस्सा क्लीन करते हैं, एक बार पेशेंट को अंदर आने के बाद फिर दोबारा बीटाडीन से हम क्लीन करते हैं। जो फुल सर्जिकल प्रिकॉशंस हैं वो लेते हुए आई को हम ड्रेप करते हैं। इन पेशेंट्स में हम एंटी वेजेफ वाला इंजेक्शन लगा रहे हैं रेजुमैब। एक बार पेशेंट ड्रेप हो जाता है तो इसमें दोबारा से हम एक बार एनेस्थेटिक ड्रॉप डालते हैं। तो ये रेजुमैब एंटी वेजेफ इंजेक्शन है जो बायोसिमिलर है, इसको लोड करने के लिए एक स्पेशल फिल्टर आता है साथ में, ये फिल्टर है। और एक इंजेक्शन में एक ही पेशेंट के लिए मेडिसिन होती है, तो ये इस तरह हम इसको लोड करते हैं और इसको फिर हम डिस्कार्ड कर देते हैं। और ये देखिए, ये एकदम 30 गेज की एकदम बारीक निडल है, ये तब देखने में भी मुश्किल होता है कितनी बारीक है। और इसके बाद ये अंडर माइक्रोस्कोप हम इसको लगाते हैं एक स्पेसिफाइड डिस्टेंस पे, वो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं। और ये देखिए, बस ये एंटीबायोटिक ड्रॉप्स, बस ये इंजेक्शन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट। अब 2 घंटे के लिए आई के ऊपर एक शील्ड लगा देंगे। तो एकदम ही सिंपल पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें ज़्यादा दर्द नहीं होता। निडल आपको हमने दिखाई दी, एकदम बारीक 30 गेज की निडल होती है, फुल एनेस्थीसिया में इसको हम करते हैं अच्छी तरह आँख को सुन करके, तो दर्द नहीं होता। और हैं, इनको भी हमने एंटी वेजेफ ही लगाना है, रेजुमैब जो बायोसिमिलर है इंडियन कंपनी का। इसमें भी वही हम बीटाडीन से अच्छी तरह क्लीन करते हैं, पहले पूरी सर्जिकल प्रिकॉशंस लेते हैं। इसको भी हम वही फिल्टर लगा के लोड करेंगे। ये हमने फिल्टर लगा के इंजेक्शन लोड कर लिया है और फिर वही 30 गेज की एकदम बारीक निडल से अंडर माइक्रोस्कोप इसको लगाएंगे। ऊपर देखो अम्मा मेरी तरफ, ये देखिए, ये एकदम पेनलेस प्रोसीजर है, बिल्कुल भी पता नहीं चलता। और बस ये हो गया, अब 2 घंटे के लिए इसको हम पैच कर देंगे। अब ये है एक ऑजुडेक्स इम्प्लांट, ये इस तरह के बॉक्स में आता है और अभी ये पूरा स्टराइल है तो इसको अभी खोल के मैं आपको दिखाऊंगा अंदर कैसे होता है। ये
ये अब इसमें भी वही हम एनेस्थेटिक ड्रॉप डाल रहे हैं, सुन करने वाली दवाई, और फिर वही बीटाडीन से पूरे आई के आसपास के एरिया को क्लीन करेंगे। अब ये स्टेराइल ड्रेप लगा रहे हैं, ये हल्का सा आपके मुंह के ऊपर आएगा तो आप परेशान नहीं होइएगा। दोनों आँख खोल के आराम से रिलैक्स होकर नीचे देखिए, नीचे देखिए पैरों की तरफ, बहुत बढ़िया। बस अब ये आँख में एक स्पेकुलम लगा रहे हैं जिससे इंजेक्शन के दौरान आपकी आँख खुली रहे। अब ये इम्प्लांट डिवाइस आपको दिखाते हैं। अब मैं ये सिलाइन से आपकी आई वॉश कर रहा हूँ। अब ये इम्प्लांट है, ऑर्थोडेक्स इम्प्लांट। इसमें एक ये स्टॉपर है, ये हम लगाएंगे और ये बस इंजेक्ट करके हमें क्लिक करना है। आइए अभी देखते हैं। तो ये इम्प्लांट भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लगाते हैं। ऊपर देखिए प्रदीप जी, मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ घुमा लीजिए आँख। हाँ, हल्का सा आपको हो सकता है महसूस हो, हिलिएगा नहीं। मैं इंजेक्ट कर रहा हूँ। और ये इम्प्लांट हमने लगा दिया, बस एकदम पेनलेस, बस प्रोसीजर डन। अब इसको भी 2 घंटे के लिए एक पैच कर देंगे। ये जो स्टेरॉइड इम्प्लांट है, ये एक स्टिक होती है छोटी सी, तो कई बार पेशेंट को एक स्टिक टाइप घूमती हुई दिखाई दे सकती है, जो धीरे धीरे ओवर नेक्स्ट 1.5 to 2 months डिसॉल्व हो जाती है। तो अब आपने ये देखा कि दोनों इंजेक्शन एंटी वेजेफ और स्टेरॉइड इम्प्लांट हमने आपको एग्जैक्टली कैसे लगाते हैं वो सब दिखाया, और किसी पेशेंट को कोई पेन नहीं हुआ, प्रोसीजर बड़ा सिंपल है, फुल एनेस्थीजिया ड्रॉप डाल के हम करते हैं। तो मेरे ख्याल से आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो आंसर हो गए होंगे। उसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं।